स्वागत है आपका सनी टाइम जोन में और मेरा नाम है सनी। तो दोस्तों होता क्या है, जब आप लेफ्ट और राइट साइड का जजमेंट कंसीडर करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लेफ्ट साइड में आती है। अब पास में कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तो उसका हम जजमेंट कैसे करेंगे। मैंने आपको ये दिखाया था पर्चा, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट साइड में जो है दो मार्किंग है। तो दो मार्किंग इसलिए, पहली मार्किंग जो ए पॉइंट है, वो ए पॉइंट हमने इसलिए मार्क किया था क्योंकि हम दूर का ऑब्जेक्ट जैसे रनिंग कंडीशन में है तो वहाँ पे हम जजमेंट ले सकते हैं उससे। और जो बी वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, ये बी वाला पॉइंट इसलिए है ताकि आप पास के ऑब्जेक्ट का जजमेंट ले। कैसे लेंगे इसी वीडियोज़ में बात करेंगे। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, शेयर भी कर देना ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। और ड्राइविंग सीरीज़ की मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ आपकी ड्राइविंग को इम्प्रूव करने के लिए। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों स्वागत है आपका सनी ड्राइव जोन में, मेरा नाम है सनी। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। और क्लच मैंने दबा दिया है आपके सामने, फर्स्ट गियर डाल के हल्का सा एक्सीलेटर दे रहा हूँ और क्विक रिलीज कर रहा हूँ। क्विक रिलीज मतलब हल्का सा एक्सीलेटर देना पड़ेगा। और आगे देखा मैंने कैसे गाड़ी निकाली है। अब देखो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये दो पॉइंट की बात करी थी। अब हम बात करेंगे ये बी पॉइंट की। ये ए पॉइंट है अपना, ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट आप मान सकते हैं, इसको सी पॉइंट कंसिडर कर लेना। ए पॉइंट ये होगा, ए पॉइंट मतलब ये हमको बचाना है। अभी देखो आपको क्या लग रहा है, ये पॉइंट बच रहा है? हाँ बच रहा है बिल्कुल, लेकिन ये बच नहीं रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना तो आप देखेंगे गाड़ी मेरी टकरा जाएगी। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे टकरा। ये देखो, हाँ दिखा आपको। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा बी पॉइंट को कंसीडर करें जब भी आप गलियों में या फिर ट्रैफिक में अगर गाड़ी चला रहे हैं, आपको कट लेना है, इधर उधर मोड़नी है, तो आप बी पॉइंट को कंसीडर करें। ये है अपना बी पॉइंट। अब देखो अब मुझे स्टेयरिंग राइट में काटना पड़ेगा, काटा अब मेरी गाड़ी आसानी से निकल जाएगी, ठीक है। अब मैं हल्का सा लेफ्ट लूँगा, बाइक वाले को भी बचाऊँगा और यहाँ से मुझे लेफ्ट लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से लेफ्ट लेऊंगा। अब जब ये रोड दिख जाएगी मुझे तब मैं यहाँ पे स्टेयरिंग काटना शुरू करूँगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग भी गाड़ी को चलाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि राइट और लेफ्ट साइड का जजमेंट कैसे है। देखिए राइट साइड का मैं ही पॉइंट यही कंसीडर कर रहा हूँ, लेकिन जब आप बिल्कुल क्लोज कॉन्टेक्ट में गाड़ी चलाएंगे ना तो आपको कंसीडर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट करना पड़ेगा। लेकिन ये पॉइंट फिर भी आपका जजमेंट दे देता है बिकॉज आप उसके पास बैठे हैं। कुछ तो आपको नॉर्मली आइडिया हो जाता है और कुछ आपको जजमेंट मिल जाता है। तो यहाँ से देखो जब ये रोड दिखने लग जाएगा ना, अब मैं पूरा स्टेयरिंग काटूंगा। उससे पहले मैं धीरे धीरे स्टेयरिंग काट रहा था, तो ये भी ट्रिक होती है। अब देखो ये गाड़ी खड़ी है, अगर मैं ये वाला पॉइंट लूँ ना निकल रहा है, और एक्चुअली में निकल भी जाएगी गाड़ी, ऐसा नहीं है नहीं निकलेगी, गाड़ी निकल जाएगी। हल्का सा राइट में स्टेयरिंग करो ताकि लेफ्ट साइड आपकी बची रहे और सीधा सीधा गाड़ी को चलाओ आराम से। अब देखो आगे एक गाड़ी खड़ी है, मैं उसमें आपको दिखाता हूँ कि हम बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, ठीक है। आप देखना जैसे हम धीरे चल रहे हैं बिल्कुल। अब देखो आपको ऐसा लग रहा है यार मैंने ये पॉइंट तो बचा दिया, चलो कोई बात नहीं, चलो मैं उतार के दिखाता हूँ, मैं उतर के दिखाता हूँ आपको कौन सा पॉइंट बचा हुआ है। देखो गाड़ी नहीं निकल पाएगी, आप ध्यान से भी देखोगे जब भी गाड़ी नहीं निकल पाएगी आपको बी पॉइंट बचाना पड़ेगा। बी पॉइंट आपका ये होता है, यहाँ से स्टेयरिंग को काटो राइट में, काटा अब वो पॉइंट बच गया, तो अब आपकी गाड़ी आसानी से निकल जाएगी, ठीक है। और राइट साइड का मैंने आपको बता ही दिया, ये वाला जजमेंट राइट साइड के लिए आप इसको कंसिडर कर ही रहे हो और ऑलरेडी। चलो फिर से चलते हैं आगे, एक और गाड़ी का एग्जाम्पल लेता हूँ। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, ये वीडियो देख लेना। अगर आपको जजमेंट में दिक्कत होती है ए बी पॉइंट कैसे बनाएं, इसकी वीडियो मैं डाल दूंगा, आपको आई बटन पे मिल जाएगी और या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके तरह आप गाड़ी चला सकते हैं। अब देखो फिर से एक और ट्रिक दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखो यहाँ से आप कह रहे हैं कि यार मेरा तो ये वाला पॉइंट निकल गया है,
निकल गया। अच्छा चलो ये वाला पॉइंट निकल गया, फिर से दिखा देता हूँ। अब देखो गाड़ी निकलेगी नहीं निकलेगी, जब तक आप ये बी पॉइंट कंसीडर नहीं करोगे आपकी गाड़ी खतरे में है। अगर आप गलियों में गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल पास डिस्टेंस में गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको ये दिक्कत आएगी। और ये दिक्कत का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, 100% सॉल्यूशन है। ऐसे दो मार्किंग कर लो, एक की जगह आपकी गाड़ी कहीं भी नहीं लगेगी। अब यहाँ से देखो हल्का सा राइट घुमाओ और फर्स्ट गियर में हल्का हल्का एक्सीलेटर देते रहो, हल्का हल्का क्लच रिलीज करते रहो बाइटिंग पॉइंट से, और अब देखो गाड़ी आपकी निकल चुकी है दोस्त। तो ऐसे आप गाड़ी चलाएंगे, अगर आप वैसे गाड़ी चलाएंगे उस पॉइंट को लेके, तो आपकी गाड़ी लगने के चांसेस हैं, बस ये ध्यान रखना। बाकी इधर चलते हैं एक बार और। देखो गाड़ी चलाना दोस्तों कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत से लोगों को गलियों में प्रॉब्लम होती है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको हाईवे पे प्रॉब्लम होती है। बिकॉज मैं मोस्टली गलियों में गाड़ी चलाता हूँ, तो इसीलिए मुझे प्रॉब्लम होती है। हाईवे के ऊपर मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, अब तो नहीं होती, पहले होती थी, अब फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बिकॉज मुझे ऑलरेडी 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। अब ये देखो ये गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी से भी अब देखो थोड़ा सा हमने ना डिस्टेंस पे हमने देखा, जज किया, तो अब गाड़ी मेरी निकल जाएगी। बिकॉज वो देखो डिस्टेंस था थोड़ा सा गाड़ी में ना, इसकी वजह से गाड़ी निकल जाएगी। ऐसे आप आसानी से गाड़ी चलाएंगे दोस्तों। और बस दोस्तों इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। आप ये दो पॉइंट बना लेना, कैसे बनाएंगे मैं वीडियो ले आपको आई बटन में दे दूंगा, या फिर एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर किसी वीडियो में मिलते हैं। ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ जो कि आपकी ड्राइविंग को इम्प्रूव करती हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।